यूपी में रक्षाबंधन के दिन से लॉकडाउन होगा पूरी तरह से खत्म। योगी सरकार ने रविवार को भी प्रादेशिक साप्ताहिक बंदी को किया समाप्त। बलिया जिला जेल में 14 जुलाई को हुए बवाल में हुई बड़ी कार्रवाई। अवकाश पर चल रहे जेलर अंजलि गुप्ता हुए निलंबित। कई अधिकारियों पर और गिरेगी गाज। प्रयागराज एसएसपी ऑफिस में तैनात महिला सिपाही के साथ साथी सिपाही ने किया रेप। आरोपी पुलिस कर्मी हुआ फरार। रिपोर्ट हुई दर्ज। रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने सोनभद्र के आमदही गांव आ रही है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। प्रोटोकॉल आते ही तैयारियों में जुटा प्रशासन। सोनभद्र जिले के धूमा ग्राम पंचायत में शराब के नशे में धुत युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में बिना जुलूस निकाले मनाया जा रहा है मुहर्रम। इमामबाड़े में लोगों ने चढ़ाई ताजिया। देवरिया में अफगानिस्तान से जुड़ी पोस्ट पर कमेंट करने दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दो लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। गोरखपुर नगर निगम ने 20 करोड़ की जमीन से हटवाया 30 साल पुराना कब्जा। कब्जेदार से इस अवधि का किराया वसूलेगा नगर निगम। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से दो डीसीएम गाड़ी में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। सिर पर गैस सिलेंडर रखकर जताया विरोध।